धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं इस विधेयक के समर्थन में आज इस सदन में खड़ी हूं और मुझे लगता है कि आज ये ऐतिहासिक दिन है जिसका इंतजार हम सब लोगों ने किया है। शायद आपके लिए ये जरूर वाह वाह होगा जहां पर हम बैठकर कह रहे हैं, क्योंकि आपने लगातार उस तरफ बैठने के लिए मजबूर भी आप केवल इसलिए हुए हैं कि आपने 70 सालों में केवल और केवल वोट की राजनीति के तहत तुष्टिकरण किया है और लगातार उन महिलाओं के भावनाओं के साथ आपने खेला है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि कत्ल केवल वो नहीं होता जो खंजर से किया जाए, जख्म केवल वो नहीं होते जो जिस्म के लहू को बहाए, कातिल वो भी होता है जो लफ्जों के तीर चलाए, जख्म वो भी होते हैं जो रूह का नासूर बन जाए। जो तीन शब्द एक हस्ती खेलती ख्वातीन को पल भर में एक जिंदा लाश में तब्दील कर दे, उनका इस्तेमाल करने वाला शख्स यकीनन सजा का हकदार है। और मैं आज कानून मंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और तमाम महिलाओं की ओर से उनको साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने ये बिल लाकर भारत देश में एक स्वाभिमानपूर्ण और समानता के एक नए युग की शुरुआत की है। माननीय उपसभापति महोदय, वो दिन याद करिए, 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में निर्णय दिया और शाहबानो सहित आम महिलाओं को विश्वास था कि इस मानवीय लड़ाई में देश की सरकार उन महिलाओं के साथ में खड़ी होगी। परंतु इतिहास की त्रासदी कहिए कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, प्रगतिशील और रूढ़ियों के खिलाफ माने जाने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी इस बिल के साथ में नहीं खड़े हुए और उन्होंने उस फैसले को निरस्त किया और राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने मौलवियों के साथ में खड़े होकर जो शाहबानो सुप्रीम कोर्ट से जीत गई, वो शाहबानो सरकार के साथ में हार गई। जो जीत गई वो हार गई और ये लड़ाई तब से चल रही है, आज तक चल रही है। और आज जब सदन में इस प्रकार का बिल आया है तो इस पर मुझे आज देखकर बेहद अफसोस है उपसभापति महोदय। हम मजाक की वस्तुएं हैं, महिलाएं मजाक की वस्तुएं हैं। यहाँ पर लोगों ने तलाक को मजाक के तौर पर प्रस्तुत किया है। उन्होंने बार बार कहा, इस विषय की गंभीरता पर नहीं गए। जरा उस महिला को पूछिए जो तीन तलाक के बाद में सड़क पर आ जाती है, उस महिला को पूछिए और उसकी भावना को पूछिए जो हलाला के लिए तिल तिल कर मरती है, वापस अपने पति के पास जाती है। ये तीन तलाक के बाद का हलाला और आप उस पर समर्थन करते हैं। मुझे लगता है जो लोग समर्थन करते हैं वो सब महिला विरोधी हैं और आपने महिला विरोधी होने का प्रमाण इस सदन में दिया है। मुझे बेहद अफसोस है, मेरे साथी यहाँ पर उन्होंने सदन में बैठकर कहा कि मैं तीन तलाक नहीं दूंगा और यहाँ पर बैठे लोग भी तीन तलाक नहीं देंगे। पीठ पीछे क्या होता है? ये मजाक की बात अगर आप इस सदन में कहते हैं तो इससे आपकी गंभीरता तय हो जाती है कि तीन तलाक पे आप कितने गंभीर हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको ये बात आपके माध्यम से सदन में कहना चाहती हूँ कि इस बिल की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बिल में तलाक को केवल एक पक्ष, इस्लाम में 9 तरीके से तलाक दिए जा सकते हैं और केवल उसके एक पक्ष को जो कि अमानवीय है उसको कानून के दायरे में लाया गया है। और जाहिर है कि इससे पुरुषों के तलाक देने का अधिकार खत्म नहीं होता है बल्कि समुदाय विशेष के स्त्रियों की हितों की रक्षा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इस विधेयक का नाम माननीय उपसभापति महोदय मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षक विधेयक रखा गया है। जो बाकी 9 तरीके हैं उसमें से एक तरीके पर जो कि अमानवीय है, आपका जब मन आता है आप तीन तलाक के द्वारा उस महिला को सड़क पर ला देते हैं। और जब आपके यहाँ पर इस विषय को कहा जाता है कि उस पर 3 साल की सजा होगी, इतनी हो हल्ला, अगर व्यक्ति कत्ल कर देता है, अगर व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे सजा नहीं होगी?
ये तीन तलाक के बाद एक हंसता खेलता परिवार जब सड़क पर आ जाता है, क्या ये अपराध नहीं है? और ये केवल वर्ग विशेष की बात नहीं है, हमने वर्ग विशेष के नाम पर बार बार तुष्टिकरण की राजनीति करके उनको कई वर्ष पीछे ढकेल दिया, वरना 70 साल के बाद भारत देश की इस संसद में कम से कम इस विषय की चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, मेरा मानना है। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये शुरुआत करके सब महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, और आज देश के करोड़ों करोड़ों महिलाएं बहुत आस से देश के प्रधानमंत्री जी को और कानून मंत्री जी के इस विषय को देख रही है। आपका जमीर भी जानता है, आपने जो मजाक उड़ाया है आपका जमीर आपको जरूर कोस रहा होगा। मैं इस बात को मानती हूँ महोदय, उपसभापति महोदय, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि कुरान ने निकाह को मिसा के गलीज मजबूत समझौता करार दिया है। जब आप एक मजबूत समझौता करते हैं निकाह में, और उस मजबूत समझौते के लिए जिसको कि आप एक समझौता मानते हैं, और उसमें ये निकाह आप अकेले नहीं कर सकते, उसमें दो गवाह चाहिए, एक वकील चाहिए, और ये दो गवाह और एक वकील की मौजूदगी बेहद ज़रूरी है, तो आप तीन तलाक केवल व्हाट्सएप पे कैसे कर सकते हैं? तीन तलाक आप घर में बैठ के कमरे में कैसे कर सकते हैं? जब कुरान कहता है मिसा के गलीज में कि आप ये मजबूत समझौता है, दो गवाह चाहिए, एक वकील चाहिए, तो आखिर में आप इस प्रकार से इस कृत्य को किस प्रकार से अंजाम दे सकते हैं? इस पर बहुत चिंता व्यक्त की गई कि अगर जेल में चले जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा, तलाक के बाद क्या होगा, और तलाक अगर देने के बाद क्या होगा, इस विषय पर अभी तक इतनी हजारों हजार महिलाएं जो प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं तीन तलाक के कारण, उस पर अभी तक किसी ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? महोदय, केवल तुष्टिकरण की राजनीति, केवल एक वर्ग विशेष की बात बार बार आई सदन में, ये बहुत आहत करने वाली बात है। हमने आपको अपने से अलग कभी नहीं माना, आप बार बार अलग अपने आप को क्यों दिखाना चाहते हैं? हम चाहते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सब लोग एक साथ चलें, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक मजबूत कदम है। इसलिए मैंने अपनी बात की जब शुरुआत की तो मैंने कहा कि ये ऐतिहासिक फैसला है, और आज ये बिल पारित होगा इस देश के इतिहास में ये हमेशा के लिए दर्ज किया जाएगा। तीन तलाक के विषय में बहुत सारे जो विषय आए हैं उसमें हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष जी ने भी बहुत सारे विषय को कहा है। मैं केवल ये बात कहना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि हम घर के चिराग से आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद ही खाक हो उसको काहे का आग लगाइएगा? आप तो पहले ही खाक हो चुके हैं अपने इन कृत्यों के कारण, दोबारा हमें आग लगाने की जरूरत नहीं है, ना हम आपके चिराग से आपको आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ना उस घर में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप खाक नहीं होते तो आप उधर नहीं बैठते, अगर आप खाक नहीं होते तो वहां पर अपने नेता को नहीं खोजते। आज आप खाक हो चुके हैं, इसलिए बार बार आप सेलेक्ट कमेटी की बात करते हैं। विषयों पर बिना अध्ययन के, बिना दूरगामी सोच के जब आप ये बातें कहते हैं तो मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है। सजा की बात पर कहा कि एक महिला की जिंदगी के बर्बाद करने के एवज के लिए हम 3 साल की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। माननीय महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ, 3 साल की सजा, व्यक्ति के मन में जब डर होता है तब वो व्यक्ति उस कृत्य को करने के लिए पीछे हटता है। अगर जुर्माना का डर होता है तब वो उससे पीछे हटता है। अगर वो डर नहीं होगा तो ये 3 तलाक के विषय, जैसा कि अभी सदन में लोगों ने बार बार कहा कि बहुत सारे लोगों ने अभी भी सब्जी बनाना पसंद नहीं आया तो 3 तलाक हो गया, लेकिन एक मूल कारण और है जिसको यहाँ पर किसी ने नहीं कहा। 3 तलाक के कारणों में केवल गुस्सा नहीं होता है, 3 तलाक के कारणों में दूसरी शादी करना भी एक मूल कारण होता है। आप 3 तलाक दीजिए और दूसरी शादी जाकर कर लीजिए, उस महिला के जीवन को आप बर्बाद कर देते हैं और दूसरी महिला के जीवन को बर्बाद करने के लिए लपकते हैं। बंधुआ, इसे किसी ने नहीं कहा, और जब गलती का एहसास हो तो हर बार मरने के लिए केवल और केवल महिला को आप क्यों भेजते हैं? अगर गलती का एहसास है तो हलाला किसका होगा? उस महिला का। वो महिला दूसरे लोगों, दूसरे पुरुष के साथ में रहने के लिए जाएगी,
तिल तिल कर मरेगी, और उसके बाद आप हलाला के बाद उसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, उसका सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे, इस विषय पर यह सदन खामोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे कानून मंत्री जी ने इस विषय को लाकर महिलाओं के स्वाभिमान को जागृत करने का प्रयास किया है, मैं उन्हें साधुवाद देती हूँ। और इसके साथ ही यह अपेक्षा करती हूँ कि वोट की राजनीति मत करिए, तुष्टिकरण की राजनीति मत करिए, महिलाओं को वोट बैंक मत समझिए, हमारी संवेदनाओं से परिचित होइए, हमें एक मानवीय के रूप में स्थान दीजिए। अगर आप हमें मानवीय के तौर पर स्थान देंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी दुआ मिलेगी, और ये दुआ आपको आगे बढ़ने में सहायक होगी, वरना घर के चिराग से हम नहीं लगाएंगे, आप तो वैसे ही खाक हो जाएंगे। ये कह के मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।